हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्विफ्टेक स्मार्ट में। एक और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप लेके आ गया हूँ जो है एसर एस्पायर लाइट 15 विथ इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है। और अभी सेल में ये लैपटॉप काफी सही बजट में आ रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। बॉक्स को ओपन करने से पहले इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो सितंबर 2023। और फ्रेंड्स, ये लैपटॉप 35,000 के बजट में मिल रहा है इंटेल कोर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर और 16GB रैम के साथ है। तो फटाफट करता हूं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसे मिलती है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो बॉक्स पे दोनों तरफ एसर की सील लगी हुई है, तो सबसे पहले इन्हें करते हैं रिमूव। और फ्रेंड्स, बहुत शानदार पैकिंग देखने को मिल रही है। लैपटॉप कहीं से भी डैमेज नहीं हो सकता कोरियर में। बॉक्स कंटेंट में वही एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड और फ्रेंड्स 45 वोल्ट का कॉम्पैक्ट साइज का एडाप्टर। और फ्रेंड्स, ये मैं क्या देख रहा हूँ, विंडोज 11 के लिए सीडी। लेकिन मेरे को फ्रेंड्स एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लैपटॉप में डीवीडी राइटर तो है ही नहीं। और एक मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का फाइबर क्लॉथ। और फ्रेंड्स, फाइनली ये है लैपटॉप। तो सबसे पहले इस लैपटॉप की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो डिजाइन पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी और बिल्ड क्वालिटी बिलीव नहीं हो रहा है। 35,000 के बजट में मेटल बॉडी, टॉप कवर और बॉटम में मेटल यूज की गई है और यहाँ व्हाइट कलर की एसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे को फ्लैक्स ना के बराबरी देखने को मिल रहा है। वहीं मैं कीबोर्ड पे भी प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ भी फ्लैक्स थोड़ा सा हल्का सा देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप का वेट ओनली 1.6 kg, उठाने में भी काफी लाइट वेट है। और इस लैपटॉप का कलर स्टील ग्रे दिया हुआ है। ओवरऑल पर्सनल मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी। इसी के साथ इसमें काफी सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो राइट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है, HDMI 1.4 पोर्ट, 1 USB 3.2 टाइप ए और एक 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जिसे आप ओनली फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। वहीं लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी स्लॉट मिल जाता है, एक RJ45 पोर्ट दिया हुआ है तो आपको एक अच्छी स्पीड मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता है, 2 USB 2.0 टाइप ए के पोर्ट दिए हुए हैं और लास्ट में 3.5 mm ऑडियो जैक है। वहीं लैपटॉप के बॉटम में काफी स्पेस दिया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हो काफी सारा एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। ये लैपटॉप सिंगल फैन सेटअप के साथ आता है और 4 कॉर्नर रबर ग्रिप दी हुई है और यह देख सकते हो एसर की सील लगी हुई है। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप रैम को और SSD को अपग्रेड करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। और बॉटम ही 2x8 के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, देखते हैं इस लैपटॉप की टॉप लिड सिंगल एंड से ओपन होती है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ओपन नहीं होगी। और इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आप इस लैपटॉप को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। और हिंज की क्वालिटी पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी, हिंज काफी स्टेबल है और स्क्रीन वबल आपको इतना ही देखने को मिलेगा। सामने की तरफ एसर की ब्रांडिंग की गई है और आगे की तरफ एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ से हवा बाहर निकलेगी। वहीं इस लैपटॉप की अगर कीबोर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड दिया हुआ है, की ट्रेवल का जो स्पेस दिया हुआ है वो भी काफी अच्छा है और जैसे प्रेस कर रहा हूं तो फ्लैक्स भी कमी देखने को मिल रहा है। वहीं इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे प्रोसेसर और नेहमिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ऑडियो का सैंपल अभी मैं आपको आगे टेस्ट कराऊंगा। और इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूँ तो लार्ज साइज का ट्रैक पैड दिया हुआ है जो मल्टी टच जेस्चर और प्रेसिजन टच को सपोर्ट करता है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। और यहाँ साथ ही पाम रेस्ट पे एसर लाइट के कुछ हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं। इस लैपटॉप के स्पेक्स पे एक नजर मारते हैं। इतने कम बजट के लैपटॉप में मिलता है इंटेल कोर i5 11155G7 प्रोसेसर है। इसकी बेस क्लॉक इस पे 2.5 से 4.5 GHz तक यूज कर सकते हो। 4 कोर 8 थ्रेड और 8 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। 16GB की DDR4 3200 MHz की रैम दी हुई है सैमसंग कंपनी की। 512GB की SSD मिल जाती है और साथ ही इस लैपटॉप में स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए इस लैपटॉप में HDD स्लॉट भी मिल जाता है, तो आप 1TB या 2TB तक एक्सटेंड कर पाओगे। और कनेक्टिविटी की बात करो तो Wi-Fi 5 और ब्लूटूथ 5.2 दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेटेड GPU इंटेल आइरिस XE 8GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। अभी आपको ग्राफिकल पार्ट में बताऊंगा इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस कैसे मिलती है। इस लैपटॉप की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 15.6 इंच की 1080p TFT डिस्प्ले दी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहां आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना रहेगा डिस्प्ले के साथ है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है और 45% NTSC कलर गैमट मिल जाता है। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 cell 36 watt hour की बैटरी
दी हुई है। स्क्रीन ब्राइटनेस 50% थी और मैंने इंटरनेट ब्राउजिंग की तो मुझे आराम से 3 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल गया था। बाकी फिर आपके यूजेस पे आप लैपटॉप को कैसे यूज करते हो। और फ्रेंड्स अब एक नजर बेंचमार्क स्कोर पे भी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। ये हैं गीकबेंच 6 के सीपीयू के स्कोर्स और ये हैं जीपीयू के स्कोर्स और ये हैं 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर्स और लास्ट में मैंने इसमें रन कराया था PC Mark 10 को। तो स्कोर्स आपके सामने 5000 के अप्रोक्स मिल रहे हैं और मैं आपको हर वीडियो में बोलता रहता हूं कि जिस लैपटॉप के स्कोर्स 5000 के आसपास मिलते हैं आप उस लैपटॉप में मल्टीटास्किंग कर सकते हो। ओवरऑल इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर मुझे काफी शानदार देखने को मिले हैं। तो अब तक बात की इस लैपटॉप की डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और बेंचमार्क स्कोर के बारे में और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस। तो उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1:28 और जब मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया 1:28 और जब मैंने लैपटॉप को बूट कराया तो ओनली 14 सेकंड में ही लैपटॉप बूट हो गया था। तो फ्रेंड्स मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिल रही है। तो अब तक टेस्ट की इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस और अब टेस्ट करके देख लेते हैं ग्राफिकल परफॉर्मेंस। वैसे मैं आपको बता दूं गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूं GTA 5 फुल HD रेजोल्यूशन के साथ है। तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट मिलती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 30 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है फुल HD रेजोल्यूशन पे और अगर आप HD रेजोल्यूशन पे गेम प्ले करोगे तो आपको 50 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया है स्नाइपर इलाइट 2 HD मीडियम सेटिंग पे। तो देखते हैं कैसी फ्रेम रेट मिलती है। Du bist hier immer. Ich werde dich finden. Finde ihn. Such weiter. Schaut euch um. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्नाइपर एलाइट में HD रेजोल्यूशन के साथ 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है और लास्ट मैंने इसमें एक और गेम प्ले किया है ब्लर जो कि एक रेसिंग गेम है फुल HD रेजोल्यूशन पे। तो देखते हैं इसमें कैसी फ्रेम रेट मिलती है। तो इसमें भी 50 FPS की फ्रेम रेट मिल रही है। तो आप इस लैपटॉप में नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये लैपटॉप उन ऑडियंस को टारगेट करता है जिनको डे टू डे टास्क करना है, मल्टीटास्किंग करनी है और 1080p की एडिटिंग भी आप बटर स्मूथ इसमें कर सकते हो। टेली वर्क हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, वो सब कुछ आप इसमें आसानी से कर पाओगे। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की प्राइस को लेकर। अभी ये ऑनलाइन पे लिस्टेड हुआ है 35,000 में और सेल चल रही है तो उसमें आपको और अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर ये लैपटॉप 35,000 के बजट में मिलता है तो आप बिना किसी डाउट इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस काफी ऑसम मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, 35,000 के बजट में इस लैपटॉप में कंट्रोल सेंटर ऐप दी हुई है, जिसकी मदद से आप फैन को कंट्रोल कर पाओगे, सीपीयू को आप अपने वर्क के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो परफॉर्मेंस मोड में भी। तो ओवरऑल ये ऑप्शन भी मुझे काफी अच्छा लगा। हल्का से इस लैपटॉप में मुझे ड्रॉबैक देखने को मिला है ऑडियो को लेकर, वैसे आप उसे इग्नोर कर सकते हो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस बजट में अधिकतर i3 या ड्यूल कोर प्रोसेसर के लैपटॉप ही मिलते हैं, तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।